नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट के हिस्ट्री में। मैं हूं अभिनव। सीएसके को पांचवी बार चैंपियन बनाने में अहम रोल निभाने वाले टीम के ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ अब एक नई इनिंग शुरू करने वाले हैं। वह महाराष्ट्र के डोमेस्टिक खिलाड़ी उत्कर्ष पवार की गेंद पर बोल्ड हो गया। जी हाँ, दरअसल ऋतुराज भी महाराष्ट्र से ही हैं और दोनों काफ़ी पहले से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कल यानी 3 जून को दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे का हाथ जिंदगी भर के लिए थाम लेंगे। आइए वीडियो के जरिए आपको बताते हैं ऋतुराज और उत्कर्षा के शादी से जुड़ी आगे की खबरें। दरअसल कल दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और यही वजह रही है कि ऋतुराज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए लंदन नहीं गए, जिसमें उनका नाम रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रखा गया था। ऋतुराज की जगह पर आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को चैंपियनशिप के फाइनल में सेलेक्ट किया गया है। वहीं खिलाड़ी एक दूसरे को काफ़ी दिनों से डेट कर रहे हैं। 29 मई को आईपीएल फाइनल देखने भी ऋतुराज की मंगेतर उत्कर्षा स्टैंड में नजर आई थी। वहीं सीएसके के जीत के बाद जब सभी खिलाड़ी अपने परिवार के साथ थे, तब ऋतुराज और उत्कर्षा भी ट्रॉफी और महेंद्र सिंह धोनी के साथ पिक्चर क्लिक करवाई थी। आपको बता दें कि उत्कर्षा पवार का जन्म महाराष्ट्र के पुणे शहर में 13 अक्टूबर 1998 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। वहीं 11 साल की उम्र से वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी, जिसके बाद वो महाराष्ट्र क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुए। उत्कर्षा इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और फिटनेस साइंस INFS पुणे की भी स्टूडेंट है। वहीं ऋतुराज की बात करें तो आप सबको पता होगा कि वो भारत के लिए भी खेल चुके हैं। उन्होंने अपना पिछला मुकाबला 18 महीने पहले खेला था। वहीं CSK को उन्होंने पांचवी बार जीत दिलाने में अहम रोल निभाई। वो टीम के साथी ओपनर डेविन कॉनवे के बाद टीम की तरफ से हाईएस्ट रन गेटर थे। उन्होंने कुल 16 मैचों में 181 के स्ट्राइक रेट से 590 रन बनाए। इससे पहले भी जब 2021 के सीजन में CSK चैंपियन बनी थी, उस वक्त भी गायकवाड़ ऑरेंज कैप होल्डर थे इस टीम के लिए। वहीं दोनों के शादी के लिए हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। फिलहाल क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।